हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे वीडियो जो है कई दिनों बाद बना रही हूँ और बहुत टाइम हो चुका है मे भी साढ़े दस या ग्यारह बज चुके हैं रात के एक्चुअली ये वीडियो बनी हुई वी थी लेकिन उसकी एक दो क्लिप्स जो हैं वो मिस हो गई थी तो मैंने सोचा चलो नए सिरे से ही पूरी वीडियो बना देती हूँ तो आज की जो वीडियो है और वीडियो का जो टॉपिक है वो है मंथली बजट मंथली बजट पे मैं बहुत सी वीडियो आप लोगों को आ, बना के बता चुकी हूँ दस हज़ार पर भी बनाई है बहुत डिटेल में बनाई है दस हज़ार वाली जो वीडियो है बहुत डिटेल में बनाई है पंद्रह हज़ार पर बना चुकी हूँ पच्चीस हज़ार पर बना चुकी हूँ तीस पे भी मे भी मैंने बता दिया है लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट रहती है और ये वीडियो में बना चुकी थी लेकिन क्लिप मिस हो गई तो बीस हज़ार का जो मंथली बजट है उस पर हम आज वीडियो जो है बनाएंगे देखेंगे कि कैसे बीस हज़ार में हम अपना मंथली बजट जो है वो बना सकते हैं मेरा मंथली बजट जो होता है वो नॉर्मल सा होता है एक गृहिणी के अकॉर्डिंग जो होता है वो सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ और हमेशा कहती हूँ कि बेसिक ज़रूरतें हम पूरी करते हैं जो बीस हज़ार रुपये है दस हज़ार रुपये है पंद्रह हज़ार रुपये है या पच्चीस हज़ार या तीस हज़ार है तो ये अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं माना जाएगा आज के दौर को देखते हुए तो आज के दौर को देखते हुए बीस हज़ार भी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो इसमें भी हम सिर्फ अपनी बेसिक ज़रूरतें ही जो है वो पूरी कर सकते हैं इसमें भी हम कोई आलीशान तरीके से रह नहीं सकते इसलिए हम बिल्कुल बेसिक ज़रूरतें ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ी बहुत हम बचत भी कर लेंगे क्योंकि दस हज़ार वाली भी मैंने बनाई पंद्रह वाली भी बनाई आप लोगों ने बहुत पसंद भी की कुछ कुछ कई लोगों को कमियां लगी तो लेकिन जितना अमाउंट हमारे पास उतना है उसी के अकॉर्डिंग तो हम चलते हैं ना कुछ दूध पे प्रॉब्लम हुई किसी को कभी कुछ तो आज कोशिश की है कि बीस हज़ार के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा कोशिश की उसमें थोड़ी सी बचत भी की तो देखिएगा कि कैसे मैंने बनाया है और पसंद आए बजट तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाएगा क्योंकि बचत हुआ बजट हुआ ये जो वीडियोस हैं ना उसमें बहुत से नए मेंबर्स आते हैं और सिर्फ एक वीडियो को देखकर हम किसी को जज नहीं कर सकते तो जो भी अगर न्यू आए तो सिर्फ ये वीडियो नहीं मेरे चैनल पर जाके पिछली और भी वीडियोज़ देखिएगा और पसंद आए तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके अपना बना लीजिएगा तो देखते हैं बेसिक ज़रूरतों में हम रोटी कपड़ा मकान ऐड करते हैं तो और आज अगर हम देखें तो बेसिक ज़रूरतें ही हमें पूरी करनी होगी हम रॉयल तरीके से नहीं रह सकते आज के दौर को देखते हुए और इंसान को हमेशा अपनी चादर के अकॉर्डिंग ही पैर फैलाने चाहिए अगर हम चादर से ज़्यादा पैर फैलाते हैं तो बाद में ठोकर हम ही खाते हैं तो एक एक चीज़ मैं समझाऊँगी उसे समझने का प्रयास कीजिएगा कुछ लोग क्या है पूरी वीडियो ना देखकर और बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ होता है फिर भी उनको पता नहीं क्या समझ में नहीं आता है तो एक एक बात को सुनिएगा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा तभी अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगा जैसे कि दस हज़ार का बनाया था पंद्रह हज़ार का बनाया था वैसे ही मैं बनाने वाली हूँ लेकिन बस अब एक बीस हज़ार का मंथली बजट है तो वापस से समझ लीजिए और देख लीजिएगा थोड़ा बहुत क्या बचत हुई है हमारी हमेशा मैं कहती हूँ सैलरी में से सबसे पहले दस दस परसेंट जो है वो निकाल के रख दीजिए जो वो हमारी बचत हो जाती है और जो बाकी जो हमारे पास बचता है उस पर हम बजट बनाएंगे तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया है मैंने बीस वाला मंथली बजट तो ये देखिए बीस हज़ार सैलरी में हम अपना मंथली बजट कैसे बना सकते हैं तो मैंने आपको बताया बेसिक ज़रूरतें हमारी होती हैं कि रोटी कपड़ा और मकान हर बजट वीडियो में मेरी ये वाली बात आप सुनते होंगे तो रोटी कपड़ा और मकान हम ऐड करेंगे कुछ ऐसी जरूरी चीज़ें बिल्कुल बेसिक चीज़ें इस पर मैं हमेशा ही ऐड करती हूँ और यही वाली लिस्ट आप हमेशा हर बजट में आप देखते होंगे लेकिन बस अमाउंट बदल जाता है जैसे जैसे थोड़ा पैसा हमारे पास बढ़ता है तो वैसे वैसे हमारा अमाउंट जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है तो आज है बीस हजार मंथली बजट वाला वीडियो तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपकी जब भी सैलरी आए तब आप दस प्रतिशत जो है अपनी सैलरी का निकाल के एक बार अलग की कर दीजिए तो बीस हज़ार का दस प्रतिशत हम अलग करेंगे तो हमारा होगा दो हज़ार रुपये तो दो हज़ार रुपये को हम निकाल देते हैं ये देखिए ये दो हज़ार रुपये हमने निकाल दिए बीस हज़ार का दस प्रतिशत हमने निकाल लिया अब हमारे पास बचता कितना है बीस हज़ार में से हम जब माइनस करेंगे दो हज़ार को तो हमारे पास अमाउंट कितना बचा अट्ठारह हज़ार तो अट्ठारह हज़ार का हम बनाएंगे मंथली बजट अब आप ये मत बोलिएगा कि अठारह हज़ार का मैं बना दूं उसके बाद आप ये मत सोचिएगा कि मैंने बचत नहीं किया है नहीं हमने बचत पहले ही कर लिया है ये दो हज़ार अब आप इसकी किसी भी तरीके से बचत कर सकते हैं आप कोई एफडी करवा दीजिए आप कोई आरडी करवा दीजिए कैसे भी करके इस दो हज़ार को आप बचत पे डाल दीजिए और अब हमारे पास जो अठारह बचा है उस पर हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमने क्या, क्या क्या किया है अब मकान रहने के लिए सभी को मकान चाहिए तो मकान अगर आपका है तब तो आपका रेंट नहीं लगेगा लेकिन अगर आप रेंट के मकान में रहते हैं तो रेंट आप चार हजार से पांच हजार वाला जो मकान है वो चुनिए और ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि हमें चार या पांच हजार वाला मकान नहीं मिलता है अब हमारे पास जितना पैसा होगा उतना ही हम रेंट दे सकते हैं आपके सैलरी है बीस हजार और आप दस हजार वाला जो है रेंट पे ले लेंगे मकान तो ये तो समझदारी नहीं हुई ना तो ऐसा मकान हमें चुनना होगा जिसका कि रेंट हो चार से पाँच हज़ार तो हम मान लेते हैं रेंट पाँच हज़ार और कोई मुश्किल नहीं है पाँच हज़ार का मकान मिलना एक कमरा किचन और लेटबाथ जो है आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छे एरिया में हम लें ठीक ठाक जो ढंग का एरिया है उसमें भी हम एक रूम और ले, लेटबाथ और किचन वाला मकान लेंगे तो पाँच हज़ार के समथिंग में मिल जाता है तो रेंट हमने माना पाँच हज़ार ठीक है फिर आता है ग्रॉसरी देखो रोटी कपड़ा और मकान बोला था तो मकान तो हो गया अब आता है रोटी तो अगर आपके अपना मकान है तो ये पाँच हज़ार सीधा आपका बचेगा यहाँ पे है ना तो और रेंट देते हैं तो पाँच हज़ार लग जाएगा तो ग्रॉसरी सेकंड आता है ग्रॉसरी ग्रॉसरी को मैंने दिया है दो हज़ार पाँच सौ रुपये दो हज़ार पाँच सौ रुपये में आप आराम से अपनी ग्रॉसरी जो है बेसिक चीज़ें ग्रॉसरी में भी हमें क्या लेना है बेसिक चीज़ें लेनी है ठीक है तो बेसिक चीज़ें आपकी 2500 में आ जाती हैं जिसमें कि आपका सर्फ साबुन क्रीम पाउडर भी आ जाएगा लेकिन आपको लेना कैसे है कोई बहुत अच्छी ऊँची दुकान से नहीं लेना है कोई रिलायंस या फिर बिग बाज़ार ऐसी जगहों से नहीं लेना है ब्रांडेड जो है हम नॉन ब्रांड ब्रांडेड भी जो है वो यूज़ दे सकते हैं ये वाली बात मैंने आपको दस हज़ार वाला जो मेरा मंथली बजट है उसमें बहुत अच्छे से समझा रखी है मैं लिंक दे दूंगी आपको या एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी दस हज़ार वाली बचत वीडियो तब ढाई हज़ार ग्रॉसरी को मैंने दिया है तो इसमें क्या क्या आ सकता है वो देख लेते हैं सबसे पहले तो ये देखिए ग्रॉसरी में मैंने क्या क्या डाला है अब ये ग्रॉसरी ना आपको कोई भी किसी भी वीडियो में नहीं बताएगा लेकिन मैं बहुत सी वीडियो में बता चुकी हूँ कि ग्रॉसरी में क्या क्या आ सकता है तो ढाई हजार जब हमने ग्रॉसरी को दिए थे तो ये ग्रॉसरी हमें कहाँ से लेनी है लोकल दुकानों से ही लेनी है कोई थोक विक्रेता हो तो उससे आप लीजिए तो आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि बूंद बूंद करके ही गढ़ा भरता है बार बार मैं कहती हूँ और बूंद बूंद करके ही गढ़ा खाली भी हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर हर किसी चीज़ में बचे तो हमारा कहीं और काम आ सकता है तो अगर हम तीन जने या चार जने की फैमिली मानते हैं जैसे कि मम्मी पापा और उनके दो बच्चे तो पंद्रह के जी आटा में लगा रही हूं तो पंद्रह के जी आटा आपको मिल जाएगा चार सौ पचास रुपए के करीब में मिल जाएगा लक्ष्मी भोग हुआ या कुछ भी हुआ वो आ जाता है ठीक है और उससे भी सस्ता कोई मिले तो आप वो ले सकते हैं पांच किलो चावल अगर हम माने मैंने दो सौ रुपए इसके लगाए हैं तो चालीस रुपये किलो वाला चावल भी अगर हम लेते हैं तो दो सौ रुपये में आ जाता है और के, एक बार मैंने चावल का बताया था चार के जी या पाँच के जी तो कोई भैया थे उन्हें लगा कि चार किलो चावल कैसे अब ज़रूरी नहीं है ना कि भूख कितने मेंबर्स की कितनी हो दो बड़े मेंबर हैं तो दो छोटे मेंबर भी है तो जरूरी तो नहीं है ना और चावल हर रोज़ बन रहा हो ये भी ज़रूरी नहीं है और दोनों टाइम बन रहा हो ये भी ज़रूरी नहीं है इस वजह से मैंने पाँच के जी चावल लगाया मेरा क्योंकि दो किलो ही लगता है कोई किसी फैमिली में ज़्यादा पसंद किया जाता है किसी में नहीं तो ऐसे करके चावल आपको चालीस रुपये किलो वाला लें या बीस वाले भी होते किणी भी होती है जितना हमारे पास पैसा है ना उतना ही तो हम लेंगे ना इस वजह से मैं कम कम वाला लगाती हूँ क्योंकि हमें थोड़ी सी बचत भी करनी होती है उसमें से तो तीन लीटर तेल हम मानते हैं नब्बे रुपये का एक लीटर तो तीन लीटर मानते हैं दो तो सौ सत्तर का हो जाएगा पाँच के जी चीनी आ जाएगी चालीस रुपये किलो के हिसाब से एक के जी बेसन आ जाएगा मैं रिसेंट प्राइस ही बता रही हूँ जयपुर सिटी की मैं हूँ और मैं जो रिसेंट लाती हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ अब आपकी सिटी में क्या प्राइस है वो मुझे उतना नहीं पता है आप कम ज़्यादा हो सकता है प्लस माइनस होता रहता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ वो एग्जैक्ट प्राइज़ ही बता रही हूँ या आपको वही करना है या ऐसे करना है एक रूपरेखा में बजट की बनाती हूँ तो एक के जी मैदा लेते हैं पैंतीस से चालीस का आता है वो भी ये नहीं कि आप ब्रांडेड कोई ऐसा चीज़ बड़ी दुकान से ले रहे हैं वहाँ से लेंगे तो आपको महंगा ही पड़ेगा तो एक के जी सूजी अगर लेते हैं तो वो भी पैंतीस और में हो जाती है छोले भी आ जाएंगे ढाई हज़ार की ग्रोसरी में आधा किलो आधा किलो चने आ जाएंगे काले वाले आधा किलो राजमा आ जाएंगे आधा के हम देसी घी मानते हैं दो सौ दस रुपये का आ जाएगा क्योंकि वो आता है चार सौ बीस रुपये का दालें मैंने लगाई आधा आधा के जी दो सौ पचास की मैंने दाला लग दालें लगाईं आधा आधा किलो भी माने बहुत महंगी भी अगर हम दालों को माने तो पांच दालें अगर लें पचास पचास रुपये की तो आधा आधा किलो आ जाएगी बल्कि ये कम प्राइस ही पड़ेगा आपको पचास रुपये की आधा किलो कोई भी दाल वैसे आती नहीं है नमक हुआ वो बीस रुपये का आ जाता है हल्दी दो सौ ग्राम जीरा और राई दो सौ दो सौ ग्राम धनिया दो सौ ग्राम मिर्ची तो ऐसे करके ये प्राइस मैंने रिसेंट वाला ही आपको बताया है तो ये सब को जोड़ के हमारा पड़ा 2015 और हमने ग्रोसरी को लगाए थे दो हज़ार तो दो में से जब ये घटाएंगे तो चार हमारा बचता है इस चार में हमारा सर्फ़ साबुन शेविंग क्रीम पाउडर क्रीम सब आ सकता है वो भी ये नहीं कि आप बहुत बढ़िया बड़ा बड़ा वाला और ब्रांडेड ले रहे हैं सर्फ़ सर्फ़ एक्सल और ये ले रहे हैं नहीं मैंने व्हील बताया था लेकिन कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया फेना भी बहुत अच्छा है और कम प्राइस में मिलता है तो आप ऐसे ऐसे सर्फ और भी ले सकते हैं क्योंकि काम हर चीज़ वही करती साबुन भी आप टेन टेन रुपीज़ में लक्स भी आती है लाइफ बॉय भी आती सब आती है और ऐसा नहीं है हमें अपनी स्किन को बहुत ख़राब कर देना है नहीं ये साबुन कोई बहुत घटिया वाली साबुन भी नहीं है लक्स या लाइफ बॉय और ऐसी कई छोटी छोटी साबुन आती जो कि आप चार में ये सब सारा भी कर सकते हैं अभी ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं इतना डिटेल में बताती हूँ फिर भी कई लोगों को समझ में नहीं आता है तो ग्रॉसरी हमारी दो में आ जाती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर हमारी बारी आती है ग्रॉसरी के बाद मिल्क की तो मिल्क मैंने यहाँ पे लगाया है पंद्रह सौ रुपये महीने का अब कई हमारी सिटी में जो है मिल्क है फोटी फोर रुपये का पर लीटर है सरस या अमूल का टोंड मिल्क अगर हम लेते हैं तो फोर्टी फ़ोर या फ़ोर्टी फाइव का पड़ता है तो फोर्टी फाइव का भी मान लें तो पंद्रह सौ रुपये में एक के जी आ जाता है अगर आपके बच्चे छोटे हैं दो हैं तो एक लीटर चाहिए अगर आपको तो आपका ऐसे अगर सरस या अमूल आपकी सिटी में भी इसी प्राइस में मिलता है तो ऐसे हो जाएगा और अगर ऐसे नहीं होता है तो मैं आपको आगे बताती हूँ अब कुछ लोगों को ना शिकायत रहती है कि हमारी सिटी में चा चौवालीस चा, या पैंतालीस नहीं है पचास है तो अगर पचास रुपये लीटर भी है तो तीस दिन का हम लगाते हैं तो पंद्रह सौ में हो जाता है और मैंने मिल को पंद्रह सौ और अगर आपकी सिटी में पचास रुपये भी नहीं है कुछ लोग बोलते हैं हमारी सिटी में तो मिल्क जो है वो सत्तर रुपये का लीटर है तो सत्तर रुपये का अगर लीटर है लेकिन हमारे पास सीमित पैसा है तो ऐसा तो है नहीं कि बीस हज़ार तनख्वाह है और पाँच हज़ार का हम मिल्क पी लें हमें और भी खर्चे करने भी तो ज़रूरी होते हैं ना तो चाय जो है हमें सिर्फ दो बार लेनी है सुबह या शाम बच्चों को दीजिए मिल्क तो सत्तर रुपये लीटर भी अगर मिल्क है तो आप एक दिन एक किलो लेंगे तो एक दिन एक किलो लेंगे तीस दिन में से और एक दिन आप ले लेंगे आधा के जी यहाँ तो आपने ले लिया आधा के जी और एक दिन आप लेंगे एक के जी तो दो दिन का डेढ़ किलो तो मतलब मेरा हो गया कि एक दिन में आप एक लीटर ना लेकर के पौना लीटर लें आधा लीटर प्लस पाव भर तो पौना लीटर हो गया ना तो आपका जो है मंथली पंद्रह सौ का मिल्क पड़ जाएगा और मैंने यहां पे पंद्रह सौ ही लगाए लेकिन ग्रोसरी में अगर कम ज्यादा हो जाए या रेंट थोड़ा सा आपका हो जाए तो तो हम इधर उधर ऐड कर ही सकते हैं है ना तो सत्तर रुपए का अगर लीटर है, तो आप पौना लीटर लीजिए एक दिन में और पौना लीटर खुला नहीं मिलता हो तो आप एक दिन एक लीजिए और एक दिन डेढ़ लीजिए और एक दिन जो एक लीटर आप दूध लेंगे ना एक लीटर उसे पूरा नहीं खपाना है आपको पौना लीटर ही खपाना है और पाव भर उसको आपको अगले दिन के लिए बचा लेना है तो जब हम अगले दिन ये आधा लीटर लेंगे ना दूध तो वो पाव लीटर जो है हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा है ना तो ऐसे करके हम पंद्रह का मिल्क कर देते हैं बट हमारी सिटी में फोर्टी ही है तो तेरह का ही आ जाता है अगर आप भी लेना चाहें तो सरस और अमूल का टोंड मिल्क लेना चाहें तो आप इतने में या पंद्रह सौ में हो जाता है तो मिल्क का भी मैंने पूरे अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है तो मिल्क के बाद आता है चौथा वेजिटेबल वेजिटेबल भी बहुत ज़रूरी तो वेजिटेबल मैंने 800 इसलिए लगाया है क्यों क्योंकि हम अगर घर की वेजिटेबल्स यूज़ लें गट्टे हो छोले राजमा और मैंने आपको बताया है चने हुआ आटे से भी कई सब्जियां बनती है कई तरीके से हम सब्ज़ी जो बना ब, बना सकते रोटी हमारी बच जाए तो हम रोटी से भी सब्जी बना सकते चावल बच जाए तो चावल के कोफ्ते की भी मैंने अपने ब्लॉग्स में सब्ज़ी बता रखी है मंचूरियन बता रखा है सब कुछ बता रखा है तो Uh, महीने में होते हैं चार हफ्ते तो एक हफ्ते की दो सौ रुपये की सब्ज़ी लीजिए तो आठ सौ रुपये में सब्ज़ी हो जाएगी और कहीं से आपका पैसा बचता है जैसे रेंट आप नहीं देते तो ये पाँच हज़ार तो आपका सीधा ही बचता है तो आप इधर उधर कहीं भी ग्रॉसरी में मिल्क में वेजिटेबल में ऐड कर सकते हैं और सेविंग में भी ऐड कर सकते हैं अगर आपका अपना घर है तो ठीक है फिर बाद में आता है गैस गैस को मैंने चार सौ पचास दी और बहुत अच्छे से समझाने के बाद भी कई लोग नहीं समझ पाते चार सौ पचास क्यों दिए अब मेरी भी तीन जनों की फैमिली है तो मेरा जो गैस सिलेंडर है वो दो महीने चलता है है ना दो महीने चलता है तो चार सौ पचास इंटू दो हो गया ना तो नौ सौ कम बहुत ज़्यादा ही बल्कि मैंने लगाया है, ये कम नहीं लगाया है चार सौ पचास तो नौ सौ हुआ ना तो दो महीने चलेगा तो एक महीने में तो हमारा चार सौ पचास ही ऐड होगा ना इसलिए तो गैस को इसलिए चार सौ पचास में दे रही हूँ क्योंकि एक महीने नहीं छोटी फैमिली में गैस डेढ़ या दो महीने चलता है इसलिए फिर आती है स्कूल फ़ीस बच्चों की तो अगर आपके दो बच्चे हैं तो ऐसे स्कूल में आप करवाइए जिसमें स्कूल फ़ीस कम हो अब आज के दौर को देखते हुए हम महंगे स्कूलों में नहीं करवा सकते हैं और मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं और कभी कभी बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छी जॉब नहीं पा पाते हैं तो बच्चे पर भी डिपेंड करता है पढ़ाई का और ऐसा नहीं है कि छोटे स्कूल हैं तो उनमें अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है छोटे स्कूलों में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है कम फीस वाले स्कूलों में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है अगर आप रीज़नेबल प्राइस वाली फ़ीस होगी जिस स्कूल में उसमें कराएंगे तो आपको ट्यूशन के लिए भी आप भेज सकते हैं बच्चे को तो आप ऐसे भी कर सकते हैं तो मैंने दो बच्चों के हिसाब से दो जो है वो फ़ीस लगाई है तो फिर मैं लगाती हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल को मैंने पंद्रह सौ दिया है इसलिए दिया है कि थोड़ा कूलर वूलर भी चलाएं गर्मियों में तो जहाँ तक संभव हो इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस वाटर बिल आप पंद्रह सौ रुपये में कर लें ये ओनली एक रूप रेखा है आ, मैं ये नहीं करी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपके पास जितना पैसा उसके अकॉर्डिंग आप पैसा इसमें ऐड करते जाइए लेकिन बेसिक ज़रूरतें मैंने आपको बता दी हैं बेसिक ज़रूरतें सिर्फ़ इतनी हैं और बेसिक ज़रूरतें ही इंसान को पूरी करनी चाहिए उससे ज़्यादा नहीं तो नेट रिचार्ज का मैं दे रही हूँ हस्बैंड और वाइफ के अकॉर्डिंग तीन सौ रुपये एक और हस्बैंड का डेढ़ सौ वाइफ़ का तो तीन सौ रुपये में आपको डेढ़ जी बी डाटा मिल जाता है अट्ठाईस दिन का उसमें आप फ्री कॉलिंग भी कर सकते हैं आजकल तो सबके पास जियो है ना इसलिए तो फिर मैं देती हूँ केबल केबल को मैंने दिए हैं तीन सौ पचास रुपये आपके पास कोई भी आप कोई पैकेज लेते हो चलो केबल भी नहीं हो टाटा स्काई हो कुछ भी हो तो उस पर आप तीन वाला पैक ले लीजिए या और कम वाला भी मिलता है आपको सिल्वर गोल्डन और कैसे बहुत से पैक मिलते हैं वो आप ले लीजिए मेडिकल क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है और भगवान ना करे किसी को भी कभी मेडिकल या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़े लेकिन यहाँ तक संभव हो सरकारी हॉस्पिटल्स में भी हम अपना इलाज करवा सकते हैं नहीं तो हर महीने आप मेडिकल का एक पेटा बना लीजिए हज़ार रुपये रख दीजिए ज़रूरी नहीं कि हर महीने ही हमें मेडिकल की ज़रूरत हो तो हम एक हज़ार रुपये निकाल के रख देंगे ना तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हॉस्पिटल जाने की तो ये वो वाला फ़ंड बन जाएगा मेडिकल फंड हज़ार रुपये आप निकाल के रख दीजिए ठीक है फिर ट्रांसपोर्ट या पेट्रोल का हम माने तो मैंने दो हज़ार रुपये दिया है पेट्रोल भी आजकल बहुत महंगा हो रहा है लेकिन आपके पास बाइक वाइक है तो आप उस पेट्रोल भी डलवाएंगे सब करेंगे तो मैंने पेट्रोल को दो हज़ार रुपये दे दिया है जहाँ तक संभव हो आसपास की चीज़ें आप पैदल जाके कीजिए सब्जी दूध औरों का तो आपकी वॉक भी हो जाएगी बॉडी भी फिट रहेगी और पेट्रोल भी जो है कम लगेगा या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें तो वो थोड़ा सा सस्ता पड़ सकता है तो इस तरीके से ये मैंने मंथली बजट जो है बनाया इस सब को पूरा हम जोड़ते हैं इन सब चीज़ों को तो हमारा टोटल क्या बनता है सत्रह हज़ार चार सौ लेकिन हमने यहाँ क्या किया था दो हज़ार तो बचत के रख दिए थे और अट्ठारह हज़ार हमारा बचा था तो अब 18000 हज़ार में से भी हमारा सिर्फ लगा है सत्रह हज़ार चार सौ तो जब हम अठारह हज़ार में से सत्रह हज़ार 400 को माइनस करेंगे तब हमारे पास बचते हैं छः सौ अब इस छः सौ की आप और बचत भी कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं कोई एक्स्ट्रा हाथ में रखते हैं हाथ खर्च या पॉकेट मनी के तौर पर रख लीजिए या फिर आप कोई ब्रेड लानी हो कुछ करनी हो तो आप इन छः सौ में से ला सकते हैं या कोई आपको कभी एक्स्ट्रा कुछ खाने का मन हुआ पास्ता वगैरह और ये तो ऐसे करके आप ला सकते हैं या फिर इस छः सौ रुपये का फंड भी बना सकते हैं फेस्टिवल का फ़ंड बना लिया हर महीने ये छः सौ रुपये अगर आपके पास बचते हैं छः सौ भी नहीं चार सौ बचते हैं या तीन सौ ही बचते हैं तो उनको आप गुल्लक में डाल दीजिए फेस्टिवल का फ़ंड बना लीजिए और जब कोई त्यौहार बार आए तो उस टाइम पर ये पैसा आपका काम आ जाएगा अब हम बात करते हैं ये जो दस हमने निकाल दिया था दो हज़ार में से दो बचा दिया था तो ये हमारी बचत हो गई थी ना इसको आप कैसे कर सकते हैं ये भी बात कर लेते हैं तो वो जो दो हज़ार रुपये बच्चे थे ना हमारे हमने सेविंग का रखा था उस दो हजार हज़ार में से अगर आपके दो बच्चे हैं तो पाँच सौ पाँच सौ की दो बच्चों के नाम की आरडी करवा दीजिए तो अभी तो हर जगह ब्याज कम हो गया है तो पोस्ट ऑफिस में भी ब्याज कम हो गया है छः पॉइंट छः की दर से ब्याज मिल रहा है तो पहले जब हम पाँच की आर कराया करते थे तब तो पाँच साल में हमारा छत्तीस रुपया हो जाया करता था लेकिन अब ब्याज कम हो गया है तो चौंतीस पॉइंट समथिंग जो है वो हमारा पैसा पाँच साल में पकता है क्योंकि अगर हम सोचे कि ब्याज तो इतना कम है तो क्या मतलब लेकिन हर जगह ही ब्याज कम हो गया है तो अगर हम ऐसे बचत करेंगे तो जरा भी ब्याज नहीं लगेगा तो इससे अच्छा है कि हम कहीं आर डी में डाल दें तो हमारा इतना पैसा जो पाँच साल बाद हमें मिल जाएगा और फिर भी हमारे पास इन 500-500 की दो आरडी कराने के बाद भी हज़ार रुपया बचता है तो 500 आप फिर कोई फंड बना लीजिए जैसे कि मेडिकल का तो हमने हज़ार रुपया डाल ही दिया तो 500 में कई लोगों का रहता है कि भाई एक सवाल मेरे पास आया था कि मेरी वाइफ का मेकअप का सामान और कैसे आएगा तो मैं ये कहना चाहूँगी जब हमारे पास सीमित पैसा होता है तो हम मेकअप वगैरह नहीं सोचते हैं, कपड़े वगैरह नहीं सोचते हमें ये चीज़ें ओकेजनली लेनी पड़ती हैं तो ये फंड आप बना सकते हैं 500 का फेस्टिवल वाला मैंने आपको बताई दिया अगर आपके पास ये वाले 600 बचते हैं तो आप फेस्टिवल वाला फ़ंड बना सकते हैं नहीं भी बचते हैं आप यहाँ कहीं ऐड कर देते हैं तो आप यहाँ इन 2000 में से एक फेस्टिवल फ़ंड बना लीजिए 500 500 पाँच के दो बच्चों की आर डी करवाई पाँच का फेस्टिवल का बना लिया तो आप जब डालते जाएंगे अपनी गुल्लक में देखेंगे कि आपके पाँच या छः महीने में जो है वो पैसे कुछ जुड़ जाएंगे उससे आप कपड़े वगैरह ले सकते हैं या अपने वाइफ के मेकअप का सामान ले सकते हैं और ये फिर भी हमारे पास 500 बचेंगे तो वो उसका आप कुछ फिर सेविंग में डाल दीजिए जहाँ तक संभव हो सेविंग कीजिए कपड़े मेकअप औरों में खर्च करना बहुत ज़्यादा समझदारी की बात तो मैं नहीं कहूँ तो देखा आपने ये था हमारा बीस हज़ार रुपये का मंथली बजट जिसमें हमारी दो हज़ार की बचत भी हो गई ऊपर से छः सौ और बच ही रहे थे थे जिसमें कि हमारा मेडिकल का भी फंड हो गया और ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमने दो हज़ार पेट्रोल या ट्रांसपोर्ट जो भी माने उस पर हमने दे दिया ग्रोसरी भी हो गई मिल्क भी हो गया सब कुछ हो गया मैंने कोशिश पूरी की है कि बहुत अच्छे से समझाऊं और समझ में भी आपको आ गया होगा नहीं आया हो तो आप मेरी पिछली दस हज़ार वाली वीडियो देखिए जिसमें मैंने ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड के ऊपर बहुत अच्छे कर और दूसरी बात, ये जो थोड़ा थोड़ा बचा कर वो मैंने आपको बता दिया दो हजार में से पांच सौ पांच सौ की आरडी करवा लीजिए और पांच सौ का आप कोई फेस्टिवल का फंड बना लीजिए कैसे भी करके लेकिन जहां तक मेकअप और की बात जो करते हैं ना वो मुझे ये लगता है कि मेकअप का सामान मैं खुद ही बहुत कम यूज़ देती हूँ मैं ब्यूटी पार्लर जाती नहीं महीने दो महीने में जाती हूँ ऑल ही थ्रेडिंग वगैरह करवाती हूँ उसमें चालीस रुपये देती हूँ मैं सिर्फ महीने या डेढ़ महीने में चालीस रुपये मेकअप का सामान और वैसे ही क्रीम पाउडर और जो है मैंने आपको ग्रोसरी में जो चार बचे थे उसमें आप ले सकते हैं तो इस तरीके से कहीं कहीं से पैसा कुछ कुछ आए और दूसरा बात मैं ये कहना चाहूँगी जितनी आपकी इनकम है इनकम को बढ़ाने का प्रयास कीजिए उसी में जीना बहुत समझदारी नहीं है अपनी वाइफ को भी कहिए वो भी आपकी हेल्प करेंगी आपको पैसा अर्न करने में वो भी पढ़ी लिखी हैं तो ट्यूशन ले सकते हैं कुछ जॉब कर सकते हैं या कुछ भी करके जो है घर पर अपना इनकम जो है बना सकते हैं टिफिन सेंटर खोल सकते हैं कुछ भी करके औरत भी जो है भागीदारी कर सकते हैं घर के मंथली बजट में तो जो इनकम है उसे थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास कीजिए तो और ज़्यादा आपको सहूलियत हो जाएगी तो इस तरीके से मैंने बजट बनाया है पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और पिछली वीडियोज़ भी देखिएगा जो भी न्यू है और उसके बाद ही किसी को जज कीजिएगा तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ तो तब तक के लिए बाय लव यू ऑल थैंक्स फॉर वाचिंग